गुड मॉर्निंग, दिस इज शिवशंकर सैनी। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 6 का केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट, इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के बारे में रीड किया, इसमें हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में स्टडी की। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप कैटलिस्ट का, उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव कैटलिस्ट। देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, जो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और जिसको हम किसी रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करने के लिए यूज में लेंगे उसको बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। क्यों जाएगा इसमें द कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करें आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट, आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट, उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स में जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 है, ये ब्रेक होती है H2O और O2 में, H2O और O2 में, ये एक फास्ट रिएक्शन है, ये एक फास्ट रिएक्शन है। इसको स्लो करने के लिए इसमें या तो ग्लिसरॉल ऐड कर देते हैं हम, या तो ग्लिसरॉल ऐड कर दो, या हाइड्रोजन फास्फेट H3PO4 ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, ये एकदम फिर स्लो रिएक्शन हो जाती है, इसकी जो रेट स्पीड है वो कम हो जाती है ग्लिसरॉल ऐड करने से। एक है 2CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तेज़ी से रिएक्शन करती है और फास्जिन गैस बनाती है COCl2, फॉस्जिन गैस COCl2 बनाती है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग कर देती है। ठीक है, ये तो गैसेस फॉर्म में होती हैं COCl2 फॉस्जिन गैस, और ये लिक्विड फॉर्म में होती है, इन्हें गैस बना लेगी है। ये भी एक फास्ट रिएक्शन है, तेज़ी से रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से और फॉस्जिन गैस बनाती है। इसको कम करने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें हम एथिल अल्कोहल मिलाते हैं, C2H5OH एथिल अल्कोहल मिलाते हैं इसमें। ठीक है, यह ग्लिसरॉल हो गया और C2H5OH अल्कोहल एथिल अल्कोहल हो गया, तो दोनों यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट हैं, ये रिएक्शन रेट को डिक्रीज करते हैं। एक क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर, वाई सम अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल, क्वेश्चन क्या पुटअप होगा, वाई सम अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इज एडेड इन द क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं, क्यों मिलाएंगे एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म में, एथिल अल्कोहल इसलिए मिलाते हैं ताकि इसमें फॉस्जिन गैस कम बने या नहीं स्लो बने। ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म
रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म फॉस्जिन गैस, फॉस्जिन गैस विच इज ए, विच इज ए टॉक्सिक गैस, जो कि एक टॉक्सिक गैस है, चीजें टॉक्सिक गैस, एक टॉक्सिक गैस है टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है क्लोरोफॉर्म, उसकी स्पीड को कम करने के लिए, उसकी रिएक्शन रेट को कम करने के लिए सम अमाउंट ऑफ एथिल एल्कोहल इज एडेड इन द क्लोरोफॉर्म। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जहरीली गैस बनाती है, टॉक्सिक गैस बनाती है, फॉस्जिन गैस। इसकी रिएक्शन की स्पीड को कम करने के लिए हम इसमें कुछ अमाउंट में एथिल अल्कोहल ऐड करते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लें। नेक्स्ट फिर इसमें है नंबर थर्ड, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है? ऑटो कैटलिस्ट जो जब किसी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वे प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट का काम करने लग जाएं, उनको हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? व्हेन द प्रोडक्ट when the product in a chemical reaction acts as catalyst, and increases the rate of reaction, increases the rate of reaction, then this product, then this product is known as autocatalyst. इसी को हम ऑटोकैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन है यहाँ पर AsH3 आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, ये ब्रेक होगा आर्सेनिक में और H2 में, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बन रही है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन गैस ही खुद कैटलिस्ट का काम करती है। इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन हाइड्रोजन एक्ट्स एज ऑटो कैटलिस्ट, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो खुद ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करती है, यहाँ पे अलग से ऐड नहीं कर रहे हैं कैटलिस्ट, खुद हाइड्रोजन ही कैटलिस्ट का काम करी, इसलिए क्या है यहाँ पे ऑटो कैटलिस्ट। नंबर फोर, बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स वर्क करते हैं उनको सबको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। Those substances
those substances which increase the rate of biochemical reaction are called biocatalyst. These are generally known as enzymes. इनको हम जनरली एंजाइम्स के नाम से जानते हैं. एग्जांपल के लिए जैसे एक माल्टोज शुगर होती है, माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है माल्टेज एंजाइम. यहाँ पे माल्टेज एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट है. ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूरिया है NH2CONH2. यूरिया की रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं तो ये अमोनिया और CO2 में टूटता है. तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो है यूरिएज. यूरिया को ब्रेक करने में जो एंजाइम यूज लिया जाता है यूरिएज, वो एक बायोकैटलिस्ट है. ये हो गए. नेक्स्ट है इसमें कैटलिस्ट प्रमोटर. कैटलिस्ट प्रमोटर किसको बोलेंगे, जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है. अब यहाँ हम रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम कैटलिस्ट की बात करेंगे. जो किसी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को और बढ़ा देता है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर. क्या हो जाएगा इसमें, दो सब्सटेंसेज विच इंक्रीज the activity of catalyst, जो किसी catalyst की activity को increase कर देता है on mixing with catalyst in reaction mixer. Catalyst promoter. इनको हम catalyst promoter के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो कैटलिस्ट प्रमोटर हैं ये कैटलिस्ट की तरह वर्क नहीं करेंगे. कैटलिस्ट की तरह वर्क तो कैटलिस्ट ही करेगा, लेकिन ये क्या है, ओनली कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और बढ़ा देते हैं. एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों मिलके अमोनिया गैस बनाती हैं. दोनों मिलके अमोनिया गैस बनाएंगे. इसके अंदर हमें कैटलिस्ट काम में लेते हैं आयरन कैटलिस्ट काम में लेते हैं. इस आयरन के साथ में हम अगर MO मोलिब्डेनम मिला देते हैं तो ये यहाँ पे क्या है, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाएगा. कैटलिस्ट हमारा Fe है आयरन, लेकिन कैटलिस्ट प्रमोटर कौन होगा, MO. ठीक है, MO इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ Fe कैटलिस्ट. यहाँ के क्या हो जाएगा,
एम ओ यानी मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एफी कैटलिस्ट, एफी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसे ही वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 इसकी रिएक्शन करवाते तो वेजिटेबल घी बनता है, वेजिटेबल घी। इसके अंदर हम निकिल काम में लेते हैं कैटलिस्ट, और निकिल के साथ हम कॉपर ऐड कर देंगे इसमें, तो ये क्या होगा, कॉपर इसकी एक्टिविटी को और बढ़ा देगा। तो यहाँ पे Cu क्या है, Cu इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ Ni कैटलिस्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इनको सबको नोटबुक में नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे।